प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनावी हुंकार भर चुके हैं। भाजपा के गढ़ उमरिया में कांग्रेस की पहली जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान कमलनाथ ने भाजपा पर जमकर वार किया और जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देकर अच्छे भविष्य की तस्वीर रखें। 15 साल बाद सिर्फ 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसके लिए मैदान में उतर चुके हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र और भाजपा के गढ़ माने जाने वाले उमरिया में जन आक्रोश रैली के माध्यम से की। उमरिया में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि किसान और नौजवान आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, देश का संविधान गलत हाथों में है, पूरे देश और प्रदेश में आपसी भाईचारा ना होकर जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। इस चुनाव में यह सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों की आत्महत्या में प्रदेश नंबर 1 पर है। आज महंगाई के कारण पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है। नाथ ने कहा, हमने 15 महीनों में अपनी नियत और नीति जनता के सामने रखी है। शिवराज सिंह 3 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। शिवराज झूठ और घोषणाओं की मशीन है। शिवराज सिंह ने दिया क्या? इन 3 सालों में घर घर दारू दी, बलात्कार दिया, महंगाई दिया, भ्रष्टाचार दिया। भाजपा की यह विकास यात्रा नहीं, प्रदेश से निकास यात्रा है। शिवराज जी, आप मुंबई जाइए और फिल्मों में काम करें। कमलनाथ ने कहा, हर जगह प्राइवेटाइजेशन के रवैये से रोजगार घट गया है। उन्होंने लोगों और आमजन से कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देकर अच्छे भविष्य की तस्वीर रखें। यह मध्य प्रदेश में कौन सा सत्ता जोरों में नहीं है? कौन सी शराब, घर घर में शराब दी, बेरोजगारी दी, ये इनकी उपलब्धि है? आप सट्टे की बात कर रहे हैं। हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये विधानसभा में आंकड़े पेश किए गए। 27 लाख पहली किस्त, उसके बाद समय नहीं था, 11 महीने थे। दूसरी किस्त शुरू हुई थी, इन्होंने रोक दी। मेरा लक्ष्य था कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए। कृषि क्षेत्र में हमारी मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।